दिन प्रतिदिन अपराधियों का हौसला इस कदर बढ़ चुका है कि दिन दिहाड़े लुट वर्गी वारदात को अंजाम देना आम गल हो चुकी है। मामला अमृतसर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाल जुड़िया है, जिथे कि शुक्रवार की सुबह 11:30 बजे चार लुटेरे बैंक च घुस के 6 लाख की लुट को अंजाम दे गए। ये वारदात अल्फा वन के कोल हुई है और पुलिस ने CCTV फुटेज कब्जे च लैके अमृतसर च नाकाबंदी कर दिती है। वाक्य ये है कि हमारे पास फ़ोन जाता है लगभग 11:30 बजे कि यहाँ रोबरी हो गई है, 12:45 के लगभग हम वहाँ से आते हैं। यहाँ के हमें पता चलता है कि हम आए थे जब पुलिस आ चुकी थी यहाँ पे, यहाँ पता चलता है कि पहले 11:20 के लगभग एक आदमी आता है सामने काउंटर पे, कुछ इंक्वायरी करता है अकाउंट वगैरह कैसे खोलना है को करना है, वो इंक्वायरी लेके टोपी और मास्क में आता है। वो आके पंजाबी में बात करते हैं, बाहर चला जाता है। 10 मिनट के बाद 4 आदमी आते हैं, एक गेट पे रुक जाता है, एक सामने काउंटर पे चला जाता है, एक कैश काउंटर पे रह जाता है, एक आरएम केबिन में चला जाता है। और वो वहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको गन पॉइंट के ऊपर एक पिस्टल रहती है, एक बंदूक रहती है, एक बंदूकधारी इधर गन पॉइंट पे मैडम को लगा देता है, हेड कैशियर को, और उनसे बात करता है कि कहता है कि कोई चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, कहीं कोई फ़ोन ऑन नहीं करना है, अदरवाइज जो है हम आपको शूट कर देंगे। चारों दो या तीन टोपी में नज़र आ रहे हैं, मास्क सबने लगाया हुआ है, तो उनको धमकाते हैं आरएम को, ये सामने वाले स्टाफ को, और इनको गन पॉइंट पे ले लिया। तो फिर उसके बाद ये कैश 2 आदमी जाते हैं और कैश काउंटर में अंदर से केबिन में जाते हैं गेट से उधर से और पूरा कैश ले लेते हैं। वो कैश काउंटर पे था कुछ, तो कुछ अंदर था, टोटल कैश है वो अराउंड 5.75 लाख है। तो यहाँ का कैश लेने के बाद वो उधर से स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी की डिमांड करते हैं, फिर BM को अंदर ले जाते हैं, वहाँ चाबी वगैरह कलेक्ट करके अंदर का जो भी है पूरा लेके बाहर आते हैं। जो मोबाइल उन्होंने पहले स्नेच किए हुए थे उसको छोड़ देते हैं यहाँ पे और धमकी देके पूरा कैश लेके चले जाते हैं। CCTV में सबका मास्क है और टोपी है, तो पहचान में नहीं आ पा रहे, वो अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हम आए थे जब तक पुलिस आ चुकी थी, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो लेट अस सी वो पहचान में आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं क्या बोलते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर। मतलब आए सी और लूट खो हुई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर दी पई है, बाकी जो है वो कार्रवाई तो बाद जो है तो सारा लूट कितनी हुई है जी? अंदाजा 5.5 लाख दे लूट हुई है। कितने जने आए सी सर? 4 जने आए सीगे और वारदात करके फेस कवर सी सर किया किस तरह उन्होंने मास्क लगे हुए सीगे, बाकी तफ्तीश पूरी हो जाए तो उस तो बाद फिर 11:30 ਦੇ ਅਰਬਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਗਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਸਟਮਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਅਲਫਾ 1 ਨਾਰਥ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 5,72,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ CCTV ਆਇਆ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ? ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਲਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਰ ਆਪਣਾ ਨੋਜ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੋਨੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ? ਮੋਨੇ ਸੀਗੇ। 4 ਜਣੇ ਮੋਨੇ ਮੋਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਠੀਕ ਹੈ।